तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने कस्टमर को, तब भी आप इस लॉकडाउन में आप बैंकिंग सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, किन के लिए, वो हम आपको इस वीडियो में पूरी विस्तार से बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप इसका समझ पाइएगा लॉकडाउन में आप किस तरह कर सकते हैं अपनी दुकान को ओपन, जिसमें आप बैंकिंग सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को अपनी दुकान को खोलकर लॉकडाउन में भी। लॉकडाउन में आप जानते हैं जरूरत जरूरत सामान, मतलब कि जो पर डे यूज होने वाला उसको छोड़कर सभी चीज़ को लॉकडाउन के तहत बंद कर दिया गया, लेकिन खाने पीने की चीज़ और बैंकिंग सर्विस को इससे बाहर रखा गया, मेडिकल को भी इससे बाहर रखा गया। तीन चीज़ मतलब खाना पीना का जो होता है वो खान पान की सारी चीज़ को खुला रखेंगे और मेडिकल खुले रहेंगे हॉस्पिटल, और नंबर तीन में बैंकिंग सर्विस भी खुला रहेगी। ये तीन चीज़ को छोड़कर सभी को बंद कर दिया गया लॉकडाउन के तहत, ठीक है। ये लॉकडाउन 188 के धारा के तहत लगाया गया है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप स्पाइस मनी रिटेलर हैं तब आप लॉकडाउन के तहत अपनी दुकान को ओपन कर सकते हैं और अपने कस्टमर को आप दे सकते हैं लॉकडाउन में भी बैंकिंग सुविधा। जी हाँ, अगर आप स्पाइस मनी के रिटेलर नहीं हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हम आपको आपको देंगे स्पाइस मनी की आईडी, जहाँ से आप अपने, अभी 21 दिन का मामला है और ज़्यादा ये बढ़ भी सकता है, अगर कंट्रोल नहीं पाया गया वायरस पर तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। इसलिए बैंकिंग सुविधा देना जरूरी होता है कस्टमर, क्योंकि सब्जी मेडिकल वगैरह भी लेने के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए, रुपया रहेगा तभी वो कुछ कर सकता है, तो उसके लिए बैंकिंग को भी खुला रखा गया है। मैं आपको एक ऑर्डर दिखाऊंगा जो कि गृह मंत्री की द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जो नोटिफिकेशन को आप जो भी आपकी दुकान पे जो भी अधिकारी या पदाधिकारी या सरकारी कर्मचारी आए चेक करने को या आपकी दुकान को बंद करवाने, तो आप उन्हें ये ऑर्डर दिखा सकते हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपके पास स्पाइस मनी पोर्टल है तो स्पाइस मनी को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है बीसी सर्टिफिकेट, बीसी सर्टिफिकेट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह दिया गया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पूरी तरह बताया गया, ठीक है। ये इंग्लिश में, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आप हिंदी भी कर सकते हैं। जैसे हिंदी करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरी चीज़ हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ लिखा गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के अनुसार, ठीक है, केवल आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन के दौरान, मतलब कि आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन के दौरान बाहर ओपन करने की अनुमति दी गई, जैसे कि स्पाइस मनी बीसी बैंकिंग कॉर्पोरेटेंट सेवा प्रदान करती है। यानी कि स्पाइस मनी जो बीसी है, स्पाइस मनी के जो रिटेलर है वो कस्टमर को बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, जो सेवाओं, जो आवश्यक सेवाओं के तहत आती है, जो कि आवश्यक सेवाओं के तहत इससे संचालित करने की छूट है, इसे आप खोल सकते हैं, इसे संचालित करने की छूट है। आप आवश्यक दस्तावेजों को दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, आवश्यक पड़ने पर सरकारी कर्मचारी को दिखा सकते हैं। स्पाइस मनी के पोर्टल पर दिया गया है कि आप इसे ओपन कर सकते हैं अपनी दुकान को, अगर आवश्यक पड़े तो आप अपने सरकार, जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपके पास, उसे वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट मतलब दिए हैं, कुछ यहाँ पर गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी किया, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आदेश हो गया गृह मंत्री के द्वारा जारी किया गया, ये आदेश आप दिखा सकते हैं जो भी सरकारी कर्मचारी आपकी दुकान पे आए। उसके बाद यहाँ स्पाइस मनी के बारे में भी यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे स्पाइस मनी के बारे में भी दिया गया, ईओ भी आप दिखा सकते हैं जो भी सरकारी कर्मचारी आपकी दुकान पर आए बंद कराने के लिए। यहाँ पर भारत बिल पेमेंट लाइसेंस, ये भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर PPI लाइसेंस भी आप दिखा सकते हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी आए आपको दुकान को लॉकडाउन के तहत बंद करने के लिए, आप उसे इन सभी सर्टिफिकेट दिखा के अपने दुकान पे बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड कर। यहाँ पे देखिए बैंकिंग एजेंट सर्टिफिकेट, यहाँ का एजेंट सर्टिफिकेट, आपका जो एजेंट सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साथ साथ ये भी दिया गया, साथ साथ यहाँ पे बताया गया पूरी तरह कि आप इस लॉकडाउन के तहत कौन कौन सी सेवा को प्रदान कर सकते कस्टमर से। यहाँ पे देखिए नगद जमा और निकासी, जमा निकासी कर सकते हैं लॉकडाउन के तहत दुकान को, उसके बाद चेक की
समाज शोधन मतलब चेक कर सकते हैं, उसके बाद सरकारी लेन देन वगैरह, मतलब कि जमा निकासी और चेक, ये तीन चीज़ तीन काम ही आप कर सकते हैं लॉकडाउन के तहत दुकान ओपन करके, दुकान को खोल कर। अगर आप इसके अलावा करते हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये तीन चीज़ का ही, जमा निकासी चेक का ही यहाँ पे अनुमति दिया गया, और उन्हीं का यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए दस्तावेज, जो कि आप डाउनलोड करके सरकारी कर्मचारी को दिखा सकते हैं जो भी आपके दुकान पे आए। ठीक है, यहाँ भारतीय बैंकों का के द्वारा भी जारी किया गया एक नोटिफिकेशन, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल मिला के 6 PDF है, ये 6 PDF को आप दिखा सकते हैं, कोई भी सरकारी कर्मचारी आपकी दुकान पर आए तो वो आपकी दुकान को बंद नहीं कर पाए करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास स्पाइस मनी की आईडी होना जरूरी है, और स्पाइस मनी की कस्टमर केयर अभी बंद कर दिया गया, सभी कस्टमर केयर को बंद कर दिया गया, क्योंकि कस्टमर केयर सभी एक जगह में होते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए यहाँ पे स्पाइस मनी ने आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। ठीक है, व्हाट्सएप पे सपोर्ट करते हैं कस्टमर केयर आपको, जो कि रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर से आप इनकी मैसेज करेंगे तो आपको ये व्हाट्सएप पे हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ बंद है, तो आप व्हाट्सएप पे इन पे हेल्प ले सकते हैं, साथ साथ मेल भी कर सकते हैं, और अपनी दुकान को आप स्पाइस मनी के साथ ओपन करके बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि 21 दिन का मामला ये नहीं है कि 21 दिन में अगर कंट्रोल कर लिया गया कोरोना वायरस पे तब तो ठीक है, अगर 21 दिन पे कंट्रोल नहीं हुआ तो इसकी समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए अपने एरिया में बैंकिंग सुविधा देंगे, जिससे कस्टमर को आदमी को परेशान ना होना पड़े और आप को भी कोई दिक्कत ना आए। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।